नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। बारामूला में आतंकी गतिविधियों में शामिल 44 लोग गिरफ्तार। हथियारों के साथ चीनी झंडे और देश विरोधी सामान जब्त। मुंबई के कुर्ला इलाके में दिखा संदिग्ध ड्रोन। इंडिगो फ्लाइट के पायलट ने एटीएस को दी जानकारी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के करीबी 32 सपा नेताओं ने किया प्रस्ताव पारित। कहा, युवा नेताओं की बर्खास्तगी के विरोध में पार्टी के 25 साल के समारोह का करेंगे बहिष्कार। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश भी कर सकते हैं बायकॉट। भुवनेश्वर के अस्पताल अग्निकांड में अब तक 20 लोगों की मौत। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अस्पताल के कर्मचारियों समेत 4 निलंबित। 100 से ज्यादा मरीजों की हालत खराब। देशद्रोही बताने वालों को करण जौहर का करारा जवाब। कहा, मेरे लिए देश पहले। पाकिस्तान के कलाकारों के साथ भविष्य में काम न करने की कही बात। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जाहिर की धांधली की आशंका। तो वहीं ट्रंप के आरोपों पर राष्ट्रपति ओबामा का करारा जवाब। कहा, धांधली का रोना रोने की बजाय वोट पाने की करे कोशिश। और हिमाचल के बाद अब दिल्ली में भी भारत न्यूजीलैंड सीरीज के दूसरे वनडे मैच में सुरेश रैना के खेलने की संभावनाएं कम। वायरल बुखार से जूझ रहे हैं रैना। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।